जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त रहें। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवाई की जिसको यूज करने से बहुत सारे युवा बेकार हो गए, बहुत सारे युवा मर भी गए। दोस्तों बहुत खतरनाक मेडिसिन है और आज हम इसके बारे में सारा बताऊंगे कि इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं और क्यों इसे युवा यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा ये मेडिसिन क्या है। तो दोस्तों इस मेडिसिन का नाम है टर्मिन। ये टर्मिन के नाम से ही मार्केट में आता है और ये मैफेन टर्मिन के नाम से ही मार्केट में आ रहा है अभी। और इसका ये एक भाई है AMP, इसके जैसी है वो भी। अभी मैं आपको बताऊंगा ये काम क्या करती है बॉडी में, इसको यूज क्यों करते हैं लड़के। ये इसलिए बनाया गया है कि जब कोई मरीज, जब कोई आदमी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है और वो बिल्कुल मरने वाली हालत में हो जाता है, तब इसको डॉक्टर यूज करते हैं, जब इसको डॉक्टर उस मरीज को देते हैं ताकि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। तो मेडिकल लाइन में इसका ये यूज है, इसलिए ये बनाया गया है। और इसका गलत फायदा उठा रहे हैं आजकल के युवा। इसको यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। इसको लगाते ही आदमी ऐसा महसूस करता है कि जैसे वो शक्तिमान बन गया, कि जैसा वो बिल्कुल शक्तिमान बन गया और उसका मेंटेलिटी ऐसी चेंज हो जाती है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो पावरफुल बन गया। इसको लगाते ही ऐसा महसूस होता है। तो अब मैं बताऊंगा इसके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों फायदे की अगर हम बात करें तो इसके कुछ फायदे नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए ये हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट कर देती है। कुछ टाइम के लिए उसमें एनर्जी आ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो कुछ टाइम के लिए अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा लेता है। जिम वाले ज्यादातर लड़के इसको यूज कर रहे हैं आजकल और वे सोचते हैं कि इसको लेकर मसल बढ़ जाएगी हमारी, इसको लेकर हमारी बॉडी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका बॉडी बनने से, मसल बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। कोई ये सोचा कि इसको लेकर मेरी बॉडी बन जाएगी तो बिल्कुल कभी भी इसको लेकर बॉडी नहीं बन सकती और बॉडी का दूसरा नुकसान ही होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों इसके फायदे ये हैं। इसको लेकर ज्यादातर खिलाड़ी कुछ टाइम के लिए अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा लेते हैं, कुछ टाइम के लिए वो अपनी एक्सरसाइज अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल बॉडी डाउन हो जाती है, बिल्कुल काम करना बॉडी बंद कर देती है, ऐसी सिचुएशन बॉडी की आ जाती है। अच्छा अब हम बात करेंगे इसके नुकसान की। दोस्तों इसका बहुत बड़ा नुकसान है, इसका मुझे नहीं लगता कोई खास फायदा है, इसके नुकसान ही नुकसान है सारे। ये एक ऐसी दवाई है, इसकी आदत पड़ जाती है। पहले आप आधा ml यूज करोगे उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ दिन तक आप उसको यूज करोगे उससे आपका काम नहीं चलेगा, वो आपको कोई असर नहीं करेगा। फिर आप इसकी डोज बढ़ा दोगे, फिर आप इसकी डोज 1 ml ले लोगे, ठीक है। फिर कुछ दिन तक वो काम करेगी, 2-4 दिन तक, उसके बाद फिर आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी, फिर आपको उससे कुछ नहीं होने का, फिर आप डोज बढ़ाओगे। तो ऐसा धीरे धीरे इसकी डोज बढ़ती चली जाती है। फिर कम दवाई से कुछ नहीं होता, ज्यादा दवाई फिर धीरे धीरे लड़के यूज करनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही करते करते मैंने देखा है, इसने आधे ml से शुरू किया या आधे ml से भी कम से शुरू किया, उन लड़कों ने पूरी पूरी वायल भी लगाई, 10 ml उन्होंने एक एक दिन में भी लगा। और जब लड़का पूरी की पूरी 10 ml यूज करने शुरू कर देता है एक दिन में, जब लड़का पूरी की पूरी वायल एक दिन में यूज करनी शुरू कर देता है, फिर ये समझो कि बस उसका टाइम आखिरी आ गया। तो दोस्तों इसके बहुत ज्यादा नुकसान है। हमारे साथ में एक लड़का जॉब करता था, आर्मी में था और हमारी टीम में था, तो वो यूज करता था इसको। तो हमने उस टाइम पे देखा इसके कितने खतरनाक रिजल्ट है। तो वो क्या करता था, वो हमें रात में भी उठा लेता था, बोला भाई चलो मेरे साथ चलो एक बार। मैं क्या हो गया, बोला भाई चलो मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं रेलवे स्टेशन पर चलो। अच्छा हम एक आध बार उसके साथ में गए भी तो वहां जाकर देखा वहां कोई नहीं है। मैं कह रहा कहाँ है भाई तेरे मम्मी पापा, बोला यही है, मुझे देख कर छुप गए, वो उनको ढूंढते हैं चलो। अच्छा भाई एक दो बार उसके साथ में गए, उसके ये हालात थे, वो ऐसे ही रात में घूमता ऐसे ही हमें रात में उठाता था, बोला चलो वहां पे कोई आदमी आया है, वहां पर दीवार के पास में कोई आदमी आया हुआ, वहां देख आते हैं। बोला वहां वो आदमी खड़ा है, मुझे आवाज लगा रहा है, वो मुझे आदमी गाली दे रहा है। तो ऐसे उसे उसके काम हो गए थे, बिल्कुल दिमाग उसका चल गया था। और पता नहीं कैसा जबरदस्ती करके हमने भी और हमारे ऑफिसर ने उसको गेम छुड़वाया और फिर जिम उसका बंद कर दिया। उसके बाद में वो धीरे धीरे ठीक हुआ। और एक और लड़का था, उसकी मौत हो गई थी,
इसको लगा लगा के। वो क्या करता था, इसको लगाता था और ये जाकर वेंस में लगाते हैं इसको, इसको लगाता था और जिम में आके लग जाता था। और उसकी डोज धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उसने एक एक दिन में दो दो तीन तीन सीसी भी खत्म करी, एक बार में पूरी सीसी भी उसने लगाई, उसकी इतनी ज्यादा डोज बढ़ गई। और वो बोलता था कि मुझे जब भी कोई कुछ बोल दे ना, कोई छोटी सी भी बात बोल दे, मुझे इतना गुस्सा आ जा बहुत ज्यादा, और मैं जाके इसको लगा लेता हूँ और फिर जिम में लग जाता हूँ एक्सरसाइज करने। बहुत अच्छी बॉडी थी लड़के की और सारी बॉडी भी खराब हो गई थी और लास्ट में आके उसको मरना पड़ा। तो इतना खतरनाक है ये मेडिसिन, मेडिसिन बहुत खतरनाक है। लेकिन भाई आदमी कुछ भी कर सकता है, कितनी भी खराब आदत हो आदमी छोड़ सकता है अगर आदमी चाहे तो। तो एक दोस्त मुझे बताता था कि भाई मैं इसको 10-10 ml यूज करता हूँ, और बोला शामवीर भाई किसी तरह से इसको छुड़वा दो आप मेरे से, बहुत खराब मुझे आदत पड़ गई, इसके बिना मैं उठ भी नहीं पाता, और अगर मुझे पैसे कहीं से नहीं मिलते तो चाहे मुझे चोरी करनी पड़ो लेकिन मैं यूज जरूर करता हूँ, मेरे से इसको लगाए बिना रह ही नहीं जाता। तो भाई मैंने उसको सलाह दी, मैं कहा भाई एक काम कर, तो इसको धीरे धीरे कम कर। बोला भाई कम नहीं होती। मैंने उसको एक लेकर इंजेक्शन दे दिया उसका रैपर उतार के। क्या दिया मैंने उसको, मैंने दिया उसको एस्टामिन 3। उसको नहीं पता था ये क्या चीज है, मैं कहा ये यूज कर, ये ट्रेमिन से भी अच्छा है और ये तेरी साथ में मसल भी ग्रोथ करेगा, ठीक है। मैंने उसको रैपर उतार के दे दिया, मैं कहा भाई ये यूज कर। तो उसने यूज किया वो, तो उससे कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई असर नहीं हुआ उसका। फिर मैंने बताया, मैं कहा ये ट्रेमिन के साथ में यूज कर। उसकी डोज 10 ml तक चली गई थी। फिर मैंने उसको बताया तू एक काम कर, तू 5 ml ट्रेमिन ले ले और 5 ml ये इंजेक्शन ले ले। तो उसने यूज किया वो, बोला भाई ठीक है असर आ रहा है इसका भी, मगर ठीक है, मगर धीरे धीरे 2-4 दिन इसको ऐसे ही यूज कर। फिर उसको मैंने यूज करवा, 2-4 दिन उसने यूज किया। फिर मैंने क्या किया, मगर एक काम कर अभी टर्मिन का 1 ml कम कर दे, टर्मिन 4 ml कर ले और एस्टामिन 5 ml कर। तो भाई उसने ऐसा ही किया, 2-4 दिन फिर उसने ऐसे ही चलने दिया। उसके बाद फिर मैंने उसका 1 ml और कम करवा दिया, ऐसा धीरे धीरे करके उसने उसका मैंने टर्मिन बंद करवा दिया और एस्टामिन चलने दिया। वो बोला कि मेरी एक्सरसाइज इससे भी ठीक हो रही है भाई, मैं कहा भाई इसको यूज करता रहो। वो लड़का अभी भी 3-4 महीने उसको हो गए, वो लड़का अभी भी एस्टामिन 3 यूज कर रहा है और एस्टामिन 3 से उसको रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि एस्टामिन 3 में पूरे अमीनो एसिड है जो मसल को ग्रोथ करते हैं। तो भाई ऐसा धीरे धीरे करके जो लड़के यूज करते हैं वो इसको छोड़ भी सकते हैं। पर मेरी सलाह मानो तो आप इसे बिल्कुल यूज मत करो, कोई इसका फायदा नहीं है। अगर आप प्री वर्कआउट में इसको लेते हो और आपसे इसको लिए बिना वर्कआउट नहीं हो पाता, तो आप इसकी जगह कॉफी यूज करो। अगर कॉफी से भी आपका काम नहीं चलता तो आप इससे बढ़िया प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले लो, वो इससे बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर यूज करते भी हो तो कभी कभी करो, जिस दिन आप मैक्सिमम करते हो, जिस दिन आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है तब यूज करो, और कम मात्रा में यूज करो। और भाई नहीं तो मैं सलाह देता हूँ इसको बिल्कुल यूज मत करो, बहुत खतरनाक मेडिसिन है, बहुत लड़के मर गए इसे लेकर और बहुत सारे लड़कों के कैरियर बिल्कुल खत्म हो गए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करियो, इस वीडियो को शेयर करियो, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो इसे सब्सक्राइब कर दियो। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।